इधर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और आगजनी मामले में वित्त मंत्री ने हुड्डा और यशपाल मलिक पर निशाना साधा। वित्त मंत्री रोहतक दौरे पर थे जहां उन्होंने दोनों नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। रोहतक पहुंचे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर खरी खोटी सुनाई। वित्त मंत्री ने हुड्डा पर किसानों को लूटने का आरोप लगाया और हुड्डा की रथ यात्रा पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने जुबानी वार करते हुए कहा कि हुड्डा को क्षमा याचना रथ यात्रा निकालनी चाहिए। अगर वो यात्रा करना चाहते हैं तो हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी से, हरियाणा प्रदेश की जनता से अपने कुकर्मों और पापों के लिए उनको एक प्रायश्चित रथ यात्रा करनी चाहिए, एक क्षमा याचना रथ यात्रा करनी चाहिए कि जो पाप उन्होंने किए जमीनों को लुटवाने के, जो पाप उन्होंने किए हरियाणा को जलाने के, जो पाप उन्होंने किए हरियाणा के भाईचारे को तोड़ने के, वह अपने पापों की माफी मांगे जनता से। इस मौके पर वित्त मंत्री ने यशपाल मलिक पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, यशपाल मलिक पर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान साजिशन हिंसा भड़काने का आरोप है। वित्त मंत्री ने यशपाल मलिक पर निशाना साधा और हरियाणा के भाईचारे को तार तार करने का आरोप लगाया। आवास का नहीं है विषय, मेरे हरियाणा का है विषय, हर उस व्यक्ति की पीड़ा का है जिसने उस आरक्षण आंदोलन की आड़ में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई हिंसा आगजनी लूटपाट के तांडव को झेला है। वो जो 32 लोगों की जान गई उनके परिवारों का दर्द है, वो जिन लोगों को शरीर पर चोटें लगी उनका जो पीड़ा है, जिन लोगों के घर मकान दुकान जले उनके दर्द जो है उसको मैं समझता हूँ। एक पल के लिए भी हरियाणा प्रदेश में कोई व्यक्ति उस भय के वातावरण में जिया और हरियाणा के भाईचारे को तार तार करने का काम और जो पाप जिन लोगों ने किया, जांच हो रही है, परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और जो भी कोई पापी है और दोषी है बचने वाला नहीं है। वित्त मंत्री ने जनता टीवी से बात करते हुए कहा कि जो लोग युवाओं की लाशों पर चंदाखोरी करते हैं, जो समाज के सवालों का जवाब तक नहीं देते, उन पर क्या टिप्पणी की जाए। समाज के नौजवानों की लाशों के ऊपर चंदाखोरी करके चंदा चोरी कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक समाज के सवालों का जवाब नहीं दिया, समाज उनसे सवाल खड़े कर रहा है, जवाब मांग रहा है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या टिप्पणी। रोहतक के भगवतीपुर गांव में वित्त मंत्री ने प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी भी दी और कहा कि अगले 4 महीने में मेरिट बेस पर सरकार 40,000 युवाओं को नौकरी देगी जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। आने वाले समय में भी मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर हम ग्रुप डी की सर्विसेज जो हरियाणा में पिछली सरकार ने जिसको लगभग समाप्त कर दिया था, 40,000 के करीब नौकरियां जो है हरियाणा में निकलने वाली हैं और बिना इंटरव्यू के मेरिट के आधार पर अगले 4 महीने के भीतर हमारा प्रयास रहेगा कि इन 40,000 लोगों को सरकारी नौकरी बिना किसी सिफारिश, पैसे, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के मिल जाए। भगवतीपुर में जनता टीवी से बात करते हुए वित्त मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर भी निशाना साधा और कहा कि आज किसान कल्याण की बात की जाती है जबकि इन्हीं लोगों ने किसानों को लूटने के लिए पूंजीपतियों के हवाले कर दिया था। आज किस मुंह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र वे सैनिकों के कल्याण की बात करते हैं? इसी तरह से जिन्होंने स्वयं ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को गुम बस्ते में डालने का पाप किया हो, आज उनके मुंह से स्वामीनाथन की बात करते हुए भी वो सुनकर हैरानी होती है। जिन्होंने प्रदेश के किसानों को पूंजीपतियों के से लुटवाने का काम किया, जिसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सीबीआई तक ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि हरियाणा के किसानों को लूटने का काम, लुटवाने का काम ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार के समय में हुआ। इस मौके पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इनेलो बीएसपी गठबंधन को बेमेल बताया और कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी ही जीत का परचम लहराएगी और विपक्ष को आवाम करारा जवाब देगी। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट।